अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयान मोबाइल। और आज एक न्यू वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ओप्पो की तरफ से एक न्यू मॉडल आया है रीनो सीरीज़ का, रीनो 12F। इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस वीडियो में। ये एक AI फ़ोन है ओप्पो का। आप बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं ओप्पो रीनो 12F लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है इसके ऊपर बड़ा बड़ा, और ओप्पो की का लोगो बना हुआ है फ्रंट साइड पर। और इसके अलावा इसके साथ साथ AI फ़ोन भी लिखा हुआ है इसके ऊपर ही, साइड पर ही इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बॉक्स इसका बिल्कुल सादा है, बिल्कुल प्लेन है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा स्पेक्स नहीं लिखी हुई। वॉरियंट की बात करते हैं तो 8 256 GB वाला है। तो चलिए इसके अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। सबसे पहले आपको बॉक्स में डिवाइस मिल जाती है। इसके बाद अगर हम इसके एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो आपको इसमें एक सिलिकॉन केस मिल जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन वाला केस है। इसमें लाइनिंग बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात करेंगे इसके दूसरे कलर्स की, तो ब्लैक कलर में आपको ब्लैक केस मिल जाता है। और चार्जर वगैरह की बात की जाए तो केबल आपको Type A to Type C वाली मिल जाती है। और इसके अलावा आपको चार्जर इसमें सुपर वूक का 45 वोल्ट का चार्जर मिल जाएगा। डिवाइस की तरफ चलेंगे, डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन का आपको डिवाइस मिल जाता है, क्योंकि इसमें कलर आपको ग्रेडियंट मिल जाता है। और इसमें बैक साइड पर आपको गोल कैमरा। साइडों की बात करते हैं तो आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मिल जाएगा। ऊपर की साइड पर आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी और इसमें माइक मिल जाएगा, जो नॉइस कैंसिलेशन का होता है। नीचे की साइड पर स्पीकर और टाइप सी जैक मिल जाता है और सिम जैक मिल जाता है। फ्रंट साइड पर आपको इसका सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाता है, जो कि 120 Hz के साथ आता है। इस फोन में काफ़ी अच्छे फीचर है AI के। इसमें आपको AI रेजर वगैरह सारे फंक्शन मिल जाते हैं, तो वो सब हम चेक करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले इसके सेटिंग में चलते हैं और इसके मैं आपको स्पेक्स दिखा देता हूँ। स्पेक्स की बात कर लेते हैं तो अबाउट डिवाइस में आपको डिटेल मिल जाती है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 685 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है। और इसके अलावा डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.67 है, 5000 mAh की बैटरी है, 8+8 GB की रैम है। और इसके अलावा अगर कैमरा की बात की जाए तो 50 MP का कैमरा है, 32 MP इसमें फ्रंट है। बैटरी की बात करें तो बैटरी हेल्थ और सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि एक ये न्यू मॉडल है तो इसमें सारे न्यू फीचर आपको मिलेंगे इस फ़ोन में। बैटरी में आपको चार्जिंग लिमिट वगैरह और स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके डिस्प्ले और ब्राइटनेस की तरफ चलेंगे तो डिस्प्ले में सारे वो ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपको एक फ्लैगशिप मॉडल में मिलते हैं। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट मैं आपको इसके डेमो मोड वाले फीचर में दिखा दूंगा, क्योंकि ये एक डेमो फ़ोन है तो इसमें कुछ फीचर्स आपको दिखेंगे नहीं। और इसके अलावा डिस्प्ले साइज़ वगैरह वो आपको मैं दिखा देता हूँ, बाकी सारे ऑप्शन चेक करा दूंगा। कुछ ऑप्शन इसमें रिस्ट्रिक्टेड होते हैं क्योंकि ये डेमो फ़ोन है, इसमें कुछ ऑप्शन बंद होते हैं। इसके बाद अगर इसका टाइम पूरा हो जाए तो उसके बाद कंपनी इसका दोबारा सॉफ्टवेयर करके देती है तो सारे फीचर्स आ जाते हैं। इसके स्पीकर्स को चेक कर लेते हैं, ड्यूअल स्पीकर्स है इसमें। इसके साउंड को चेक करते हैं, साउंड की सेटिंग की बात करें तो आपको इसमें हैप्टिक मोड भी मिल जाते हैं और बाकी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि ओरिएलिटी ऑडियो है। और इसके अलावा इसमें मज़ीद साउंड वाले ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपको इसमें डिवाइस लॉक और ऐप सिक्योरिटी, इसके अलावा हाइड एप्लीकेशन के लिए और ऐप लॉक वगैरह भी इसी में मिल जाएगा। स्पेशल फंक्शंस की बात की जाए तो इसमें आपको स्प्लिट व्यू, फ्लेक्सिबल विंडोज़ और इसके अलावा जो क्लोन ऐप वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा एक किड्स मोड भी इसमें मिल जाएगा आपको। एडिशनल सेटिंग में आपको डेट एंड टाइम वगैरह और इसके अलावा सिस्टम अपडेट्स वगैरह भी सेटिंग में ही मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको एक हालो लाइट मिल जाती है, जिसमें ब्रीथिंग लाइट के नाम से है, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि कैमरा रिंग के साइडों पर आपको एक रिंग लाइट मिलेगी, जो नोटिफिकेशन और इसके अलावा म्यूज़िक और गेम वगैरह में इसमें एक लाइट जो है आएगी, तो आपको मैं दिखा देता हूं ऑन करके। ये लाइट होगी, ये नॉर्मल सी लाइट है, दिन में या ज़्यादा रोशनी में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन रात के टाइम में ये काफ़ी अच्छा लगेगा इस डिवाइस के ऊपर। तो ये एक ऑप्शन भी है, ये भी ऐड किया हुआ है ओप्पो ने, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के कलर लगा सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए भी अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकते हैं, और इसके अलावा म्यूज़िक और गेम मोड के लिए भी अपनी मर्ज़ी के कलर लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके अगर मज़ीद हम ऑप्शंस वगैरह की बात की जाए तो इसमें आपको AI वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें AI रेजर है। और इसके अलावा AI के बाकी फ़ीचर भी है, इसमें कुछ ऐसे फ़ीचर भी है कि आप इसमें बग़ैर सिम और बग़ैर वाईफाई वगैरह की कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा।
इस फोन की, तो वो भी अपलोड हो जाएगी चैनल पे। बाकी रेजर की बात करते हैं तो उसका भी मैं आपको डेमो करा देता हूँ। आप देख सकते हैं बैक साइड पर जो कुछ लोग हैं, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं इस फोन से। ये तो इनके अपने पिक्चर से, तो इसमें कुछ ज्यादा ही सफाई से हो रहे हैं, लेकिन जो पिक्चर आपने सही तरीके से ली होगी, बिल्कुल फोकस किया हुआ होगा, तो आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह रिमूव कर सकते हैं। मैंने एक जेन्यन पिक्चर पर भी इसको ट्राई किया है और इसमें काफी अच्छा रिजल्ट आया है हमारे सामने, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। इसमें ये डेमो मोड है इसका, तो आपको ये हालो लाइट वगैरह और इसके सारे ऑप्शन भी मैं इसमें चेक करा दिए हैं। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और इसके अलावा डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, 45 वोल्ट की चार्जिंग है। ये सब चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई है रीनो 12F के बारे में। ये रीनो 12F 4G है। इसके अलावा इसमें एक 5G वेरियंट भी आया हुआ है और एक रीनो 12 आया हुआ है, तो उसकी भी इंशाल्लाह हम अनबॉक्सिंग करेंगे अपने इस चैनल पे। कलर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें 3 कलर्स आए हुए हैं, जिसमें गोल्डन कलर है, ये ऑरेंज टाइप का, और इसके अलावा ग्रीन कलर है और ग्रे कलर है। बाकी अगर इसके मजीद स्पेक्स वगैरह देखने हैं तो आप इसके डेमो मोड को देख सकते हैं। कैमराज वगैरह की तरफ चले जाते हैं तो कैमरा की बात करेंगे। कैमराज आपको बैक साइड पर 3 कैमराज मिल जाएंगे। कैमरा मोड वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसका रिजल्ट दिखाऊंगा, और इससे पिक्चर खींच के AI इरेजर का भी काम आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। मजीद जो इसके AI फीचर है, वो उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाएंगे दूसरी, और वो भी चैनल पर अपलोड की जाएगी। जूम की बात कर लेते हैं तो 10x मिल जाता है। बाकी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है, कोई पिक्सल नहीं पटेंगे। इसके फिल्टर वगैरह ऑप्शन मिल जाएंगे। पोर्ट्रेट का मोड भी मिल जाएगा इसमें आपको, पोर्ट्रेट में ब्लर वाला स्लाइडर भी मिल जाएगा, जो अपर्चर होता है इसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मोर मोड में जाएं तो इसमें आपको हाई रेजोल्यूशन का मोड मिल जाएगा और स्टिकर वगैरह, ड्यूअल व्यू वीडियो माइक्रो मोड भी मिल जाएगा। सैंपल्स की बात कर लेते हैं तो मैंने कुछ पिक्चर लिए हैं, आप देख सकते हैं इसका ब्लर काफ़ी ज़बरदस्त है। एक रीनो 12F का बॉक्स है तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा ब्लर हुआ हुआ है। इसके अलावा अगर इसके नॉर्मल पिक्चर भी देखी जाए तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। ज़ाहिर बात है, एक महंगी डिवाइस है तो इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा आप ये नॉर्मल पिक्चर भी देख सकते हैं, और ये जो पिक्चर है इसमें से आप ये टेबल भी गायब कर सकते हैं AI इरेजर के थ्रू। तो ये इनकी कुछ अपनी पिक्चर्स हैं। अब इसमें हम एक पिक्चर पे आपको AI इरेजर को अप्लाई करके दिखाएंगे, और फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि उसका रिजल्ट कैसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल क्लियर आपको शो होगा। तस्वीरें की खींची हैं, गैलरी में चलते हैं और गैलरी में मैं आपको दिखा देता हूँ इस पे ये जो तस्वीर हमने खींची है, इसके ऊपर हम AI इरेजर को अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्ट रिमूव करने के लिए, या आपको किसी बंदे की तस्वीर हटानी है तो उसको रिमूव करने के लिए, सबसे पहले उसको आप सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद जो है ये खुद ब खुद रिमूव कर देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, और इसके बाद आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये AI इरेजर है। बाकी इसके अलावा ये 12F 4G वाला जो है, इसमें आपको ये सिलेक्ट करना पड़ रहा है, बाकी जो दूसरे इसके मॉडल है उसमें ये सब ऑटो काम करेगा। तो आप देख सकते हैं ये रिमूव हो चुका है, इसको आप अलग से सेव भी कर सकते हैं, उस पिक्चर को भी आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, और इसके अलावा इसकी एक कॉपी भी बना सकते हैं, तो आपके पास दोनों पिक्चर आ सकती है। तो इस तरह ये काम करता है। अब आगे जाके तो ये काफ़ी फ़ोन में आ जाएगा, लेकिन इसमें ये फर्स्ट टाइम आया हुआ है तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। इसके अलावा अगर इसके नॉर्मल रिजल्ट को आप देखें तो रिजल्ट पे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था इसका AI इरेजर। इसके ऊपर मजीद हम जो इसके फीचर्स है उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, तो आप वो भी देख लेना फिर। ये थी हमारी आज की वीडियो रीनो 12F के बारे में। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे एक दूसरी वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक दूसरे पिक पर भी AI इरेजर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसको, अगर मैंने सही सिलेक्ट नहीं किया तो ये रिट्राई मांग रहा है। इसके अलावा मैंने इसको बहुत कंप्लीट सिलेक्ट करा, और आप इसको देख सकते हैं ये ओप्पो की जो बिल्टन पिक्स होती हैं वो है, तो इसके ऊपर ये बहुत अच्छी तरह काम करता है, ये बहुत क्लियर पिक्चर होती है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आया, और बिल्कुल ये रिमूव हो गया, तो बिल्कुल सफाई के साथ ये रिमूव हुआ है। इसमें ऐसे पिक्चर्स पर AI इरेजर काफ़ी अच्छा काम करता है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि हमारे नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।